दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VMG Words में। दोस्तों मैं एक बात बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो भी नए कबूतरबाज है, कि दोस्तों कि नए कबूतर का पर कब और कैसे खोला जाता है, क्योंकि भाई बहुत सारे नए नए जो शौकीन होते हैं भाई लाते हैं और उनका कबूतर भाग जाया करता है। और कबूतर का पर कितने दिनों के बाद खोलें और कौन सा कबूतर का पर कब खोलना चाहिए, मैं सारे बात आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों जब हम नए कबूतर को लेके आते हैं तो उसका पर बांध देते हैं टेप से या ऑल पिन से, उसका हम पर को बांध देते हैं। पर बांधने के बाद कितने दिनों के बाद उसका पर को खोले, पिन निकाल दे, टेप निकाल दे और कब खोलना चाहिए, तो बहुत सारे भाई इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। क्योंकि एक तरीका होता है भाई कि कबूतर का पर भी खोलने का बहुत बड़ा तरीका होता है, ऐसे मैं लेके आऊँ कबूतर का पर खोलूँ तो वो भी भाग जाएगा, और मैं लेके आऊँ और एक सप्ताह रखूँ और पर खोल दूँ तो वो नहीं भागेगा। इतना बात आप समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों जब हम नए कबूतर लेके आते हैं खास करके, तो करते क्या है, पर तो बांध देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि उसे हम दरबे से बाहर ही नहीं निकालते हैं। अगर ये कबूतर अभी छत पे नहीं निकलेगा तो अपने जगह को ये कैसे पहचानेगा, आप ही बताओ। दोस्तों अगर मैं इसे लेके आया, एक महीने तक इसका मैंने पर बांधा और इसका मैंने दाना पानी लॉक के अंदर ही दिया, क्योंकि बहुत सारे को भाई डर होता है कि पर बांधने के बाद ही भाग जाता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसे आप छत पे खोलोगे नहीं पर बांध के, तो वो छत पे कैसे टिकेगा भाई। कबूतर डरा डरा सा रहेगा एक से दो दिन तक, लेकिन धीरे धीरे वो आपके माहौल में ढल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों कि कबूतर को दाना और पानी दोनों ही खोल के खिलाएं छत के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने उसे बंद कर दिया एक दरबे के अंदर और उसका पर बांध दिया, तो ऐसे करने से भाई समय वेस्ट होगा, आपका कबूतर हिलेगा भी नहीं छत से। अब देखो दोस्तों आपने एक जोड़ा कबूतर लाया खरीद के, अब कबूतर को देखो भी खोलने का तरीका होता है भाई, पर आपने प्रत्येक दिन सुबह और शाम आपका छत पे खोल के कबूतर को दाना खिलाया, मान लो कि अब 10 दिन हो गए मुझे पर खोलने, तो कौन से कबूतर को आप पर खोलेंगे ये समझ लो। सबसे पहले करना है क्या है, आपके जितने भी पुराने कबूतर हैं दोस्तों सबको छत पे निकाल दो, और जो आप नए कबूतर लेके आए हो जोड़े वाला, उसका नर का पर खोल दो आप। पर खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसको उसी तरह से छत पे छोड़ दो आराम से, और देखना दोस्तों ये ऊपर नीचे करेगा और कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नीचे करके बैठ जाएगा। धीरे धीरे जब वो हिल जाए अच्छे से तो जाके मादी का भी पर खोल दो, और उसे परेशान बिल्कुल भी मत करना। ऐसा नहीं कि आपने पर खोल दिया और उड़ाना शुरू कर दो। अगर आपके आसपास में कबूतरबाज है तो उसके छत पे जाके वो बैठ जाएगा, क्योंकि वो आपकी छतों से अनजान है, उसने अब तक आपका छत को सही से पहचाना नहीं है। तो कुछ चीज़ों में भाई समय देना पड़ता है, ख़ास करके कबूतरबाजी कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन है बहुत ही मुश्किल। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा समय लगेगा समझने में, और लेकिन समझ जरूर जाओगे। जब भी मैं नया कबूतर लेके आता हूँ तो मैं इसी तरह से पर खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब एक्सपीरियंस बहुत हो गया, काफ़ी वर्षों से मैं कबूतर के पाल रहा हूँ भाई, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाई नए नए कबूतर लाते हैं ना यार, उसका हमेशा कमेंट आता है कि देखो मेरा भाई कबूतर भाग गया, भाई आपको बार बार समझा रहा हूँ यार, समझने की कोशिश तो करो। अगर मैंने जैसे बताया ना आप वैसे करोगे तो आपका कबूतर कभी नहीं भागेगा, और नए कबूतर का पर खोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, कि पहले आप नर कबूतर का जोड़ा पर खोलें फिर मादा का खोलें, लेकिन आपका कबूतर दरबे के बाहर दाना खाता हो तो ही खोलें। ऐसा नहीं कि आपने दरबे के अंदर रख रखा है और उसका फिर से पर खोल दिया तो भाई नहीं टिकेगा। और एक गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, जैसे ही हम नए कबूतर के पर खोलते हैं तो तुरंत बाद उसे उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना आपके बाजू वाले के छत पे जाके बैठ जाया करेगा।
जैसे देख लो भाई, मेरे छत पे बाउंड्री नहीं है, फिर भी मेरे कबूतर कभी भागते नहीं हैं, क्योंकि मैं उन सभी ट्रिकों को अपनाता हूँ भाई जो आपसे शेयर करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, और ऐसा नहीं कि भाई दोस्तों कि मेरा कबूतर कहीं से लाया नहीं, इसमें मेरे कबूतर नए आते जाते रहते हैं और मैं इसी तरह से सभी कबूतरों को हिलाता हूँ। और देखिए भाई कितने मस्ती में अभी दाना चुग रहे हैं, और मैं प्रत्येक दिन भाई अलग अलग बातों आप लोगों से शेयर करता हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।